प्रथम ही तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, फिर भी परन सब आय सुदीन्हा। यह रामचरित मानस का बड़ा ही परम पवित्र पावन सुंदर भाव को प्रदर्शित करने वाली चौपाई है। आज हम आप लोगों को आशीर्वाद क्या है, प्रणाम क्या है, दुआ क्या है और ब्लेसिंग क्या है, तो गॉड ब्लेसिंग बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा आशीर्वाद ये क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। देखिए, आशीर्वाद अपने आप में बड़ा ही व्यापक है। ये किसी एक दायरे के बंधन में नहीं है, किसी एक दायरे के बंधन में नहीं है। इसके लिए कहीं कुछ भी नहीं, न पृथ्वी का बंधन है, न आकाश का बंधन है, न पाताल का बंधन है, न किसी क्षेत्र का बंधन है, न जाति का बंधन है। यह अपने आप में इतना पूर्ण है, इतना आनंद को देने वाला शब्द है कि जिसको यह प्राप्त हो जाए तो उसका संपूर्ण जीवन, सारा का सारा जीवन पूरा आनंद से भर जाता है, पूरा ही आनंद से भर जाता है। और आनंद से भरता ही नहीं है, उसके जीवन में जो अकल्पनीय वस्तुएं हैं, जो कभी उसे प्राप्त नहीं होती हैं, वह भी आशीर्वाद से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जो मानस की चौपाई है, यह चौपाई उस समय का है जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है। और राज्याभिषेक के समय में महर्षि वशिष्ठ, जो उनके राजगुरु हैं, राजपुरोहित हैं, उन्होंने पहला तिलक भगवान श्री राम जी को किया है। कब? जब राज सिंहासन पर बिठा लिए हैं, राजगद्दी पर विराजमान हैं भगवान श्री राम, मर्यादा के मूर्ति, और उधर आदि शक्ति जगत जननी माँ सीता, हनुमंत लाल जी से लेकर के भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सब पूरे अयोध्यावासी के तमाम लोग वहाँ पर एकत्रित हैं। और वहाँ पर आशीर्वाद देने का कार्य कौन कर रहे हैं? महर्षि वशिष्ठ कर रहे हैं। पूर्ण रूपेण जो है यह चौपाई बड़े ही आनंद के साथ, और सारे विप्र जितने उपस्थित वहाँ पर हुए हैं, जितने ब्राह्मण लोग हैं, साधु संत सन्यासी योगी जन, ये सबके सब उपस्थित हो करके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राज्याभिषेक के समय सब आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वाद कितना ही आनंद युक्त उस समय माहौल है, परम रम्य है, सब रमे हुए हैं, सब हर्षोल्लास से भरे हुए हैं, सब आनंदित हैं। कितना सुंदर और सुरम्य वातावरण है यह देखने को मिल रहा है वहाँ पर। ये किस तरह से सब के सब लोग जो है एकत्रित हो करके, और देखिए इतना सुंदर इसमें भाव है, इतना आनंदमय है कि कहीं कुछ पाने के लिए शेष नहीं रह जाता है। अब ये आशीर्वाद हमको आम जनमानस के जीवन में कैसे प्राप्त होता है? देखिए, ये आशीर्वाद हमको अपने घर से ही प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। ये आशीर्वाद हमको माता पिता से मिलता है, हमारे दादा दादी से मिलता है, हमारे रिश्तेदारों से मिलता है, नातेदारों से मिलता है, तथा साथ ही साथ हमारे घर को आशीर्वाद देने का कार्य हमारे गुरुजन लोग करते हैं, हमारे मनीषी लोग करते हैं। तो ये आशीर्वाद की जो स्थिति है वो कब हमको प्राप्त होती है? जब हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम जैसे ही करते हैं, नम तूते अस्तु, तो ये प्रणाम शब्द आने के साथ ही साथ आशीर्वाद अनायास निकल जाता है। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती, आशीर्वाद स्वतः ही निकलने लगता है। तो आशीर्वाद से असंभव जो कार्य है वो भी संभव हो जाता है। तभी तो भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जब अयोध्या से यात्रा आरंभ किए हैं तो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे हैं। अयोध्या से यात्रा आरंभ करके जहाँ जहाँ अरण्य जंगलों में गए हैं, उन सभी जगह पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आशीर्वाद मिला है। और जिन लोगों का उद्धार करना है, उनका उद्धार करके भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो इससे पूरे एक सुंदर समाज की स्थापना हुई, और वो आशीर्वाद सिर्फ त्रेता युग में नहीं, द्वापर में नहीं,
सतयुग में नहीं हर युग में रहा है और हर समय लोगों को आशीर्वाद मिला है। ये आशीर्वाद का बहुत ही आनंदमय महत्व है। अब इसको अलग अलग संप्रदायानुसार लोग जो है, कहीं कोई उसको दुआ के रूप में करता है, कहीं कोई व्यक्ति उसको आशीर्वाद स्वरूप देते हैं, कहीं कोई व्यक्ति उसको ब्लेसिंग के रूप में करता है, कहीं कोई व्यक्ति उसको मौन स्वीकृति के माध्यम से देता है, कोई व्यक्ति उनको सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं, कहीं लोग जो है उनके रोम रोम से ही आशीर्वाद निकल जाता है। मानस में एक और बड़ी सुंदर चौपाई आई कि गुरु कभी कभी कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके नख से ही, उनका जो नख होता है उसी से आशीर्वाद मिल जाता है। चरण पादुका पूजन, पाद पूजन की जो विधियां हमारे यहाँ बनाई गई हैं, तो ये जो चरण रज है, गुरुजनों का चरण रज, मनीषियों का चरण रज, और साथ ही साथ हमारे जीवन में सबसे बड़ा माता पिता का जो चरण रज है। एक बार देवताओं के बीच में आपस में अंतर्द्वंद्व हुआ कि बड़ा कौन और सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, तो सभी देवताओं ने आपस में एकत्रित होकर के सभा किया और उस सभा में निर्धारित हुआ कि जो पृथ्वी का परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा, जो पहले उपस्थित हो जाएगा, उसका पूजन होगा। तो सारे जितने भी देवगण थे, अब किसी के पास मोर का वाहन है, किसी के पास जो है घोड़े का वाहन है, किसी के पास गरुण का वाहन है, तो ये सब लोग अपने अपने वाहनों पर बैठ करके नाना प्रकार के जिनके पास जो जो वाहन है तो पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए चले। लेकिन हमारे गणपति महाराज, गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी कहीं परिक्रमा करने नहीं गए, क्योंकि उनका जो मूषक है वाहन, चूहा पर बैठ करके चलने, उन्होंने सोचा कि भाई मेरी सवारी तो बहुत छोटी भी है और बहुत लंबे समय में परिक्रमा करके आएगी, तब तक तो सारे देवता लोग परिक्रमा करके आ जाएंगे। तो गणेश जी के मन में एक विचार आया। गणेश जी ने क्या सोचा? गणेश जी ने देखा कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन? तो चला देवाधिदेव महादेव। तो बोला और कौन बड़ा? बोले माता और पिता, अर्थात मेरी माँ पार्वती। तो गणेश जी ने वहीं उनका परिक्रमा कर दिया, देवाधिदेव महादेव और माँ पार्वती का परिक्रमा करके आशीर्वाद ले लिया। वागरथा इव संप्रिक्त वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो ये जगत के माता पिता कौन है? बोले देवाधिदेव महादेव और माँ पार्वती। गणेश जी ने वहीं उनका परिक्रमा किया और परिक्रमा करके सर्वप्रथम पूजन के लिए बैठ गए। सबसे पहले जो है वो पूजन के लिए विराजमान हो गए गणेश जी। और तब से आज तक हम कोई भी पूजन आरंभ करते हैं, जो है सनातन परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ जो भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम किसका पूजन किया जाता है? बोले गणेश जी का पूजन किया जाता है। सबसे पहले हम किसका आशीर्वाद लेते हैं? गणपति भगवान का लेते हैं। तो गणपति भगवान ने क्या किया? गणपति भगवान ने अपने माता पिता देवाधिदेव महादेव और माँ पार्वती को, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा को नमन करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए उनका परिक्रमा किया और बैठ गए। वैसे ही हर मनुष्य को जो आशीर्वाद मिलना आरंभ होता है अपने घर से पहले मिलता है, माता पिता के द्वारा मिलता है, माँ का स्थान सबसे पहले आता है। क्योंकि माँ जो है हर बालक के अंदर, हर पुरुष के अंदर, प्रकृति के अंदर सब जगह माँ शब्द निकलता है। यहाँ तक ऐसा लोग बताते हैं कि बच्चा जो जन्म लेता है ना, उसके मुख से भी माँ निकलता है। और सिर्फ मनुष्य के यहाँ जो बालक जन्म लेता है वही नहीं, हमारे तो भारत भूमि की बड़ी विचित्र विडंबना है। आप गौर से देखेंगे तो गाय का जो बच्चा है ना, गाय का जो बछड़ा है या उसकी जो बछिया है, तो उसके मुख से भी क्या निकलता है? उसके मुख से भी अम्बा शब्द निकलता है। ये ऐसे पवित्र पावन भूमि हमारी रही है ऋषियों और मनीषियों की। और इस पवित्र पावन भूमि में जिधर आप देखेंगे उधर सब उसमें से रश्मि निकल रहा है, हर जगहों से पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है, सब जगह से ब्लेसिंग मिल रहा है सारे लोगों को। इसीलिए तो लोग भाग करके तीर्थ स्थानों पर जाते हैं,
आजकल अपने घरों में जो लोग रहते हैं आकुल व्याकुल हो जाते हैं, मन अशांत हो जाता है। हालांकि आज के आधुनिक परिवेश में लोगों ने पिकनिक का साधन बना दिया है, लेकिन ये गलत है। वो पिकनिक का स्थान नहीं है, वह इंजॉय का स्थान नहीं है, वह मनीषियों के किए हुए तपस्थली है। और उस तपस्थली से हमको क्या मिलता है? उस धरती से ऊर्जा मिलती है, वो आशीर्वाद स्वरूप ऊर्जा मिलती है। इसीलिए तो हमारा मन वहाँ जा कर के एकाग्रचित हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है, क्योंकि उसमें से आशीर्वाद की ज्योति निकल रही होती है। यह आशीर्वाद हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे विवेक को जागृत करती है, जगाती है, हमको सुयोग्य कार्यों की तरफ प्रेरित करती है। जब हमारे कार्य सुंदर होते हैं और हम जब प्रेरणा से ओतप्रोत हो जाते हैं, तो जो मनीषियों का अंतर मन से जो आशीर्वाद निकलता है, वह आशीर्वाद ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने सबसे पहले, यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा मैं मानस में प्रवेश करते हैं हम लोग, तो देखते हैं जब राम और रावण का, भगवान श्री राम का और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था, तो उस समय विभीषण जी की मित्रता भगवान श्री राम से हो गई है। और भगवान श्री राम से उनकी मित्रता जब हो गई तो विभीषण जी ने क्या देखा? विभीषण जी ने यह देखा कि राम जी जो है पृथ्वी पर हैं, क्योंकि वनवासी राम हैं, और राम जब वनवासी हैं तो न वहाँ रथ है, न घोड़े हैं, न सेना है। और रावण का जब आगमन होता है तो कैसे आते हैं? वो रथ पर विराजमान होकर के आते हैं। तो विभीषण जी देख के बड़ा अधीर हो जाते हैं। यहाँ पर तुलसी बाबा का बड़ा सुंदर मानस का भाव, बड़ा ही सुंदर बाबा ने विभीषण जी के मुख के माध्यम से कहलाया है। विभीषण जी का जो मुख है उसके माध्यम से क्या बोलते हैं? रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पर विराजमान है और विभीषण जी ने क्या देखा? रघुबीर, रघुवंश में जन्म लेने वाले जो वीर कौन, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वो कहाँ है? बोले वो पृथ्वी पर है। तो विभीषण जी देख करके बड़ा अधीर हो गए, उनके अंदर में घबराहट होने लगी कि ये शत्रु इतना बड़ा बलवान है और रथ से आया है, और हमारे भगवान राम के पास तो रथ नहीं है, तो ये कैसे जीतेंगे? शत्रु पर विजय हम कैसे प्राप्त करेंगे? याद रहे यहाँ पर कि हमको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी, जो शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए भी आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना आशीर्वाद के, बिना ईश्वरीय कृपा के, बिना माता पिता के आशीर्वाद के, गुरुजन के आशीर्वाद के, हम कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते हैं। तो यहाँ भगवान श्री राम विभीषण जी को क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि हे मित्र विभीषण, देखो हमको वनवास तो हुआ, हम राम राज्य की स्थापना के लिए चले हैं, और रास्ते में हमने बहुत सारे ऋषियों मनीषियों विप्रों का एक एक जगहों पर सबके चरण वंदन करते हुए सबका आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, इतना सुंदर नारायण ने उत्तर दिया है भगवान श्री राम ने विभीषण जी को। क्या कहते हैं विभीषण जी के कि मित्र आपको अधीर होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। विभीषण जी ने कहा कि क्यों मैं ना घबराऊं, आपके पास तो रथ नहीं है। अब यहाँ विभीषण जी की जो मति है वो अपने अनुसार विभीषण जी सोच रहे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो साक्षात नारायण हैं, वो सब चीज़ों को जानते हैं। इसलिए विभीषण जी को समझाते हुए उन्होंने क्या कहा कि हे मित्र विभीषण, देखो हमारे पास बड़ा सुंदर रथ है और हमारे पास आशीर्वाद भी बहुत है। बताते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, क्या कहते हैं भगवान श्री राम? कहते हैं कि सौरज धीरज ये ही रथ चाका। ये शौर्य बल जो हमारे अंदर में, शौर्य अर्थात अपने ऊपर आत्मविश्वास,
हम कभी किसी गलत राहों पर नहीं गए हैं, हमने तो सिर्फ आशीर्वाद लिया है। हम मर्यादा विहीन कोई काम नहीं किए हैं, मर्यादा से हट कर के हमने कहीं कुछ कोई कार्य किया ही नहीं है। तो हमारा जो शौर्य और धैर्य, ये जो दोनों बल हैं ना, ये हमारे रथ के चक्के हैं। और धर्मशील दृढ़ ध्वजा पताका, हम धर्म के लिए अवतरित हुए हैं, ये हमारा ध्वज और पताका है। और पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो सबसे बड़ी बात कही है विभीषण जी से, वो बड़ा ही अद्भुत अकल्पनीय है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और एक मुख से नहीं सहस्त्र मुख से भी अगर हम वर्णन करें तो भी कम है। कम क्यों है? क्योंकि भगवान श्री राम ने विभीषण जी से स्पष्ट शब्दों में बताते हुए कहा, क्या कहा? हा कि कवच या भेद विप्र गुरु पूजा। हे सखा विभीषण, हमारे पास में कवच अभेद, मैं ऐसे कवच को धारण करके आया हूँ। वो क्या है, कौन सा कवच है? बोले विप्र पूजा। मैं तो रास्ता भर सारे ऋषियों मनीषियों के आश्रम से होते हुए आ रहा हूँ, विप्र पूजन किया हूँ, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया हूँ, जो अभेद कवच है, जिसको कोई भेद नहीं सकता है। हम सांसारिक जो कवच होता है उसको पहनने के बाद में तो फिर भी भेदा जा सकता है, लेकिन हमारे पास आशीर्वाद रूपी ऐसा कवच है कि वो अभेद है, उसको कोई भेद नहीं सकता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विषय उपायन दूजा। इसके समान कोई और तो मैं नहीं समझता कि कोई और भी कवच हो सकता है, क्योंकि आशीर्वाद स्वरूप कवच है। और ऐसे हम धर्ममय रथ में मौजूद हैं, हम धर्ममय रथ पर सवार हैं, तो हमको डर किस बात का? तो हमारे जीवन में भी, आम जनमानस के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में अगर उनको आशीर्वाद मिल जाए, मनीषियों का आशीर्वाद मिल जाए, गुरुजनों का आशीर्वाद मिल जाए, और उनको ईश्वर के द्वारा प्रकृति प्रदत्त आशीर्वाद मिल जाए, नारायण का समागम मिल जाए, तो किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कारण हमारा जो जीवन चलता है ना, वो कैसे चलता है? आध्यात्मिक जगत का त्रिकोण क्या है? बोले संत आधार है, संत समागम से हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है, और हनुमंत उपकार है, और हनुमान जी जो है उपकार के प्रतिमूर्ति हैं, और भगवंत प्यार हैं। आध्यात्मिक जगत का ये त्रिकोण है, और इसमें से जो हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है, कहीं पर भी किसी भी स्थान पर हम जाते हैं, तो ये हमारे जीवन को बदल देता है। और मांगने की जरूरत नहीं बोलती है, कोई जरूरत नहीं होती है कि कोई बोल करके आशीर्वाद लिया जाए, कोई मांग के आशीर्वाद ले, हम छीन के आशीर्वाद ले लेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये तो आनंद से निकलता है, ये अपने अंतर मन से निकलता है, और जब अपने अंतर मन से जो चीज़ें निकलती हैं वह स्वतः ही फलीभूत हो जाती हैं। ऐसा है ये जीवन, इस जीवन में जो कुछ भी चल रहा है। अब एक व्यक्ति जो रंक है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ दिनों के बाद में लोग सोचते हैं कि इसके पास सब कुछ कैसे प्राप्त हो गया। वो उसको इसलिए प्राप्त हो गया क्योंकि वो सतचित आनंद सत्य मार्ग में अपने चित्त को लगाया, और तब उसे क्या मिल गया? बोले आनंद मिल गया। बोले किसकी कृपा से मिला? बोले परमात्मा की कृपा से मिला। परमात्मा ने क्या दिया? बोले आशीर्वाद दिया। तो हर मनुष्य का जो जीवन है, कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर विचरण करता है, चाहे वो वृक्ष के रूप में हो, पशु के रूप में हो, जीव के रूप में हो, छोटे छोटे तिनके के रूप में भी, छोटे छोटे कीट पतंग के रूप में भी है, तो उनको भी, उस पतंगे को भी किसका आशीर्वाद मिलता है? बोले परम तत्व के आशीर्वाद से वो भी जीवित है, वो भी अपने पूरे परिवार के दुनिया में मगन है, वो भी चल रहा है। तो ये सब कुछ, जितने भी जो देहधारी हैं, वो भी जो देह को धारण नहीं किए हैं, उनको भी। एक बार माँ पार्वती ने देवाधिदेव महादेव से, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से कहा कि आप तो सबका पालन करते हैं, सबको आप चलाते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने अपने हस्त में एक
कीड़े को, एक पतंगे को रख लिया और कहा कि आप सबको जब भोजन दे रहे हैं तो मैं देखती हूँ कि कैसे आप प्रदान करते हैं। भगवान शिव ने सारे लोगों को जो है नियमानुसार जो है आशीर्वाद प्रदान कर दिया। माँ पार्वती ने जब अपने हस्त को खोल करके देखा तो वो उनके हाथ में जो पतंगा है उसके मुख में भी आहार मिला हुआ है। तो संसार के प्राणियों, संसार में जीने वाले समस्त वासियों को परम तत्व के आशीर्वाद से ही सुख और दुख की अनुभूति होती है, और उसे कहीं सुख मिलता है, कहीं दुख मिलता है, कहीं उसे आनंद मिलता है, कहीं आनंद नहीं मिलता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जब आशीर्वाद बरसती है, जब कृपा बरसती है, तो सारा का सारा दुख समाप्त हो जाता है और सुख आने लगता है, आनंद मिलने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस किसी व्यक्ति को दुख मिल रहा हो, आशीर्वाद न मिले, तो ऐसा नहीं कि उनको बहुत दुखी हो जाना है। उनसे समझना चाहिए कि भगवान मुझसे तपस्या कराना चाहते हैं, और जब हम तपस्या करते हैं ना, उसके बाद ही हमको आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि तपस्या के बाद हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। तप बल विप्र सदा बरियारा, जो तप है, हमारी तपस्या है, हमारा जो ध्यान योग है, हमारा जो कर्म योग है, तो ये सारा चीज़ें जो है आशीर्वाद में बदल जाता है। और जब आशीर्वाद में बदल जाता है तो हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो हर घर में, हर लोगों को, हर एक एक प्राणी को, जब उसके गुरुजन का, उसके माता पिता का, उसके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तो वह घर बड़ा ही पुष्पित, पल्लवित और आनंदित होने लगता है। यहाँ बड़ा सुंदर अद्भुत संरचनाएं होने लगती हैं। हर जगह आशीर्वाद मिला है लोगों को। किसी भी युग को आप उठा करके देखिए, ये आशीर्वाद ही तो पांडवों को भी विजय दिलाया। चाहे हम कौरव पांडव की बात करते हैं, कौरव के पक्ष में भीष्म पितामह से लेकर के द्रोणाचार्य एक से एक धुरंधर लोग हैं, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। इच्छित मृत्यु का वरदान है भीष्म पितामह को, लेकिन आशीर्वाद किधर जा रहा है? भीष्म पितामह कभी भी दुर्योधन को विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिए, द्रोणाचार्य ने कभी दुर्योधन को विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिए। विजयी भव का आशीर्वाद किसको देते हैं? अर्जुन को देते हैं। आशीर्वाद किसे पक्ष में है? अर्जुन के पक्ष में है। और वैसे ही हमारे जीवन में जब माता पिता का या समाज का, सबका आशीर्वाद एक जगह एकत्रित होता है, तो यह जो पुण्य फल है, यह जो आनंद का फल है, हमको क्या करता है? हमको आनंदित ही नहीं करता है, हमको सर्वत्र विजय दिलाता है। क्योंकि सर्वधर्म संभाव की स्थिति में हमको चलना है। सर्वधर्म का जो भाव हमारे अंदर में आता है, तो हम वहाँ पर क्या होते हैं, हमें हमारे अंदर में मानवता आने लगती है। हम मनुष्य के मूल्य को समझते हैं, ह्यूमन वैल्यू क्या है उसको जानते हैं। तो मानवीय मूल्य को हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं? हम एक दूसरे के सुख दुख में अनुभूति जो हमारी है, एक दूसरे के सुख दुख को कैसे बांट सकते हैं? तो इसमें कहीं किसी भी प्रकार का रंच मात्र भी न संदेह में जाना है, न शंका में जाना है। आनंद के साथ आशीर्वाद लेते रहना है, और जितने बार हम लेंगे, एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, एक बार एक बालक की कुंडली देख करके और तमाम कई ज्योतिषियों ने बोला, कहा कि इसकी अल्प आयु है, ये बहुत कम अवधि तक जीवित रहेगा। तो उसको ये संदेश दिया गया कि जितने लोगों का हो सके आप इनको आशीर्वाद दिलाइए। तो उनके माता पिता गुरुजनों के पास ले जा करके, कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा, सभी जगहों पर तीर्थाटन से ले जा करके आशीर्वाद दिलाने लगे। तो जिस व्यक्ति की अल्प आयु थी, जिसको लोगों ने बताया कि कम समयों में ये शरीर का परित्याग कर देगा, वह जो है आशीर्वाद स्वरूप लंबे अवधि तक जो है उसकी आयु बढ़ गई। वैसे ही मनुष्य के जीवन में जो चीज़ उसे नहीं प्राप्त होता है, वो आशीर्वाद से मिल जाता है, तपबल के माध्यम से मिल जाता है। तो हमारे कर्म ही हमारे आशीर्वाद में बदल जाते हैं। और आशीर्वाद कहाँ से मिलता है? ईश्वर की कृपा से मिलता है, ईश्वर के प्रेम करुणामय आनंदमय हो करके मिलता है। क्योंकि हम ईश्वर को जैसे ही समर्पित होते हैं, तो हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि देखिए, मीरा
मीरा को आशीर्वाद किसने दिया? बोले नारायण ने दिया, कृष्ण से उनको प्राप्त हुआ। कबीर को आशीर्वाद किससे मिला? उनके गुरु रामानंद जी के माध्यम से मिला। तुलसी को आशीर्वाद किससे मिला? वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का गुणगान करके गए। तो जितने भी हमारे मार्ग में जाने वाले लोग हैं, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, तो वो सभी लोगों को आशीर्वाद सर्वधर्म संभाव से मिला। सब एक है, कहीं कोई अलग नहीं है। ये जो हमारी धरती माँ है वो एक है, कहीं भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं। सब पुत्रों को आशीर्वाद दे रही है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं तो हम आहार जो ग्रहण करते हैं ये आशीर्वाद स्वरूप ही तो है। पृथ्वी से निकले हुए अन्न और जल को हम ग्रहण करते हैं तो ये पृथ्वी माँ हमें आशीर्वाद देती है। हम दुग्ध का पान करते हैं, दूध पीते हैं, तो वो गौ माता के द्वारा आशीर्वाद हमको मिलता है। तो उसके हम पाय पान को करते हैं, उस दुग्ध का सेवन करते हैं, तो हमारा शरीर बलिष्ठ बनता है। ये सब आशीर्वाद है। आशीर्वाद का ये मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति आए तो सिर्फ बोल दे कि आप धनवान हो जाइए वही आशीर्वाद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन प्राप्त हो जाए तो वही आशीर्वाद है। आशीर्वाद माँ पृथ्वी आपको दे रही हैं, आशीर्वाद आपको पवन दे रहे हैं। आपके अंदर में जो प्राण वायु चल रही है निरंतर और क्रमशः जब वो चलता है तो सुखानुभूति आप करते हैं, वह आशीर्वाद है। और जब आपको विश्वकर्मा के रूप में सुंदर जो घरों में लोग रहते हैं तो शिल्पकार विश्वकर्मा ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अग्नि तत्व के माध्यम से जब हम भोजन को पकाते हैं और उस आहार को ग्रहण करते हैं तो वो अग्नि मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये सब के सब से हमको आशीर्वाद मिल रहा है। और इतना ही नहीं, हमारे जितने मनीषी लोग हैं सब के सब सर्वत्र विराजमान होकर के स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, त्रैलोक्य से, हर एक एक प्राणी में विराजमान उस ईश्वर के अंश को, उस तत्व को आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमको सभी लोगों के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव रखते हुए इस मानव जीवन को सुंदर बनाने के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। और आशीर्वाद से हर बिगड़ा हुआ काम संभव हो जाता है और उसके जीवन में सुख की अनुभूति होती है, आनंद मिलता है। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लोग ये सोचते हैं कि आशीर्वाद और अभिशाप, तो आशीर्वाद सिर्फ आशीर्वाद होता है, उसमें अभिशाप की कहीं से कोई अनुभूति नहीं होती है, वो तो श्राप के रूप में होता है जब आदमी क्रोध में आकर के करता है। तो यहाँ आशीर्वाद का जहाँ तक प्रश्न है, तो जितने भी मनीषी लोग हैं वो सब सहृदयता के साथ, आनंद के साथ आशीर्वाद देते हैं। इसलिए झंझावातों में नहीं पड़ना है कि किसी ने मुझे अभिशाप दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सत्चित आनंद हो करके अपने जीवन में मनीषियों का आशीर्वाद ग्रहण करें, आपका जीवन बिल्कुल आनंदमय सरस होगा और पूर्ण जो है आनंद के साथ अपने जीवन को परमात्मा के चिंतन में व्यतीत करें। आज बस इतना ही।